Hello friends, yet another video on population growth is ready for you. In the last lecture we have talked about population attributes, now it is the turn of population growth. Yes, now how to analyze population growth. So some attributes of population are used to estimate its growth. ये हम लास्ट लेक्चर में एट्रीब्यूट्स की बात कर चुके हैं और ये भी हम जान चुके हैं कि पॉपुलेशन साइज किसी भी हैबिटेट में किसी भी गिवन पीरियड में समान नहीं बनी रहती, फ्लक्चुएट होती रहती है और इस फ्लक्चुएशन के लिए बेसिकली फोर फीचर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दो फीचर कंटिन्यूस एडिशन के लिए और दो फीचर सब्सट्रैक्शन के लिए। जो पहला फीचर है उसको हम नेटेलिटी या बर्थ रेट के नाम से जानते हैं और हम ये भी जानते हैं कि इट इज द इनहेरेंट पॉपुलेशन एबिलिटी ऑफ अ पॉपुलेशन टू इंक्रीज एंड रिफर टू द नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। सो पर इंडिविजुअल चेंज इन अ पॉपुलेशन ड्यू टू नेटेलिटी यदि एस्टिमेट करना हो तो हमें ये मानना पड़ेगा कि जो इनिशियल पॉपुलेशन है वो एन है और समय के साथ उसमें आया हुआ इंक्रीमेंट या न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस्ड विल बी डेल एन टू टी एंड इफ द टी इज टाइम देन द फार्मूला गोज। सो वी कैन कैलकुलेट द पॉपुलेशन ग्रोथ बाय नेटेलिटी थ्रू अ फार्मूला डेल एन टी अपॉन एन इंटू डेल टी। Mortality, as you know, is the opposite factor of natality. It is the death rate, which is the number of individual dying in a population in a given period. The third factor is immigration. It is the one-way permanent inward movement. एक तरफ किसी population में लगातार दूसरी population से लोगों का आना या organisms का आना immigration कहलाएगा। ये ग्रोथ को स्पीड अप करने वाला फैक्टर माना जाता है। प्लांट में ये अब्सेंट होता है लेकिन इट इज इक्विवेलेंट टू सेटलमेंट ऑफ डिसेमिन्यूल्स। देन फोर्थ फैक्टर इज इमाइग्रेशन, इट इज द वन वे परमानेंट आउटवर्ड मूवमेंट। जो भी पॉपुलेशन में ऑर्गेनिज्म यहाँ से मूव आउट करके जाएगा उसे हम इमाइग्रेशन के नाम से जानेंगे। प्लांट में ये फीचर नहीं होता क्योंकि वो अपनी जगह छोड़ के कहीं जाते नहीं है, अदरवाइज ये चलता रहता है। सो इफ एन इज द पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी देन डेंसिटी एट टाइम टी प्लस वन विल बी सो एन टी प्लस वन इज इक्वल टू एन टी प्लस। अब यहां पर चारों फैक्टर को हम इकट्ठा करेंगे लेकिन जो इंक्रीमेंट वाले फैक्टर है वो एक तरफ, सो बी प्लस आई माइनस डिक्रीमेंट वाले फैक्टर डी प्लस ई। यहां बी इज नंबर ऑफ बर्थ और नेटेलिटी, आई इज नंबर ऑफ माइग्रेंट्स, डी इज नंबर ऑफ डेथ्स एंड ई इज नंबर ऑफ ई माइग्रेंट्स। तो आप ये बहुत अच्छे से देख पाएंगे कि दो फैक्टर लगातार पॉपुलेशन में ऐड कर रहे हैं। जो ऐड करने वाले फैक्टर है वो है नेटेलिटी और इमाइग्रेशन और जो डिक्लाइन करने वाले फैक्टर्स हैं वह है मॉर्टेलिटी और इमाइग्रेशन और इनसे इन टोटल एस्पेक्ट्स के रिजल्टेंट पॉपुलेशन डेंसिटी कंस्ट्रक्ट हो सकती है। अब क्या किसी पॉपुलेशन की ग्रोथ लगातार होती चली जाएगी या कोई उसे रोकने की भी कोशिश करता है? तो एनवायरमेंटल रेसिस्टेंट एंड बायोटिक पोटेंशियल ये दो फैक्टर हैं जो उसे रोकने की कोशिश करते हैं। बायोटिक पोटेंशियल को हम मैक्सिमम और पोटेंशियल नेटेलिटी के नाम से भी जानते हैं और जो फैक्टर्स एनवायरनमेंट के पॉपुलेशन को लिमिट करते हैं उन्हें हम एनवायरमेंटल रेसिस्टेंस कहते हैं। जैसे जैसे पॉपुलेशन साइज बढ़ती जाती है वैसे वैसे एनवायरमेंटल रेसिस्टेंस भी बढ़ता जाता है और ये किसी भी पॉपुलेशन को जरूरत से ज्यादा बढ़ने से रोकता है। इससे जो एक टोटल टर्म बनती है उसे हम कैरिंग कैपेसिटी कहेंगे
कैरिंग कैपेसिटी और के इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन विच कैन बी सपोर्टेड विद ऑप्टिमम रिसोर्सेस फॉर देयर सर्वाइवल. ये वो रिसोर्सेस के रिलेशन में इंडिविजुअल पॉपुलेशन साइज होती है जो किसी एक जियोग्राफिकल एरिया में कैरी हो सकती है, और यही वो फैक्टर है जो किसी भी एक पॉपुलेशन को ओवरग्रोथ करने से रोकता है. किसी भी पॉपुलेशन की ग्रोथ बायोटिक पोटेंशियल, डेथ रेट और बर्थ रेट पर डिपेंड करती है. तो अब इसके लिए एक फार्मूला डिराइव किया जाए तो द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंटल रेसिस्टेंस ओवर द बायोटिक पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय के माइनस एन अपॉन के, जहां के आप जानते हैं कैरिंग कैपेसिटी होगा और एन पॉपुलेशन साइज होगा. अब कितने तरह के मॉडल्स हैं जो पॉपुलेशन ग्रोथ को डिपिक्ट करते हैं, तो दो मॉडल आपके एनसीईआरटी में डिपिक्ट हुए हैं. पहला मॉडल इसमें आता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तब होती है जब फूड और स्पेस किसी भी पॉपुलेशन के लिए इतनी अवेलेबल होती है कि वो पॉपुलेशन अनइम्पीडेड ग्रोथ, मतलब न रुकी हुई ग्रोथ करती चली जाए. डार्विन का भी ये मानना था कि जियोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन व्हेन द रिसोर्सेस आर अनलिमिटेड, ईच स्पीशीज रियलाइजेस इट्स इनहेरेंट पावर टू ग्रो. आप लोगों ने डार्विनिज्म की शुरुआत में ऑर्गेनिजम्स के अनइम्पीडेड ग्रोथ से होने वाला रिजल्ट देखा है और आपने उसको कैरी भी किया है. यदि नहीं किया तो एक बार वहां जा करके उन फैक्टर्स को आप रिवाइज कर लें कि किसी एक ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन की कितनी इनॉर्मस पोटेंशियल होती है. इफ रिसोर्सेस इनहैबिटेड आर अनलिमिटेड, पॉपुलेशन ग्रोज इन एक्सपोनेंशियल और जियोमेट्रिक फैशन. और ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ डिपिक्ट करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे. डेल एन अपॉन डेल टी इज इक्वल टू बी माइनस डी इंटू एन, जहां बी आप जानते हैं पर कैपिटा बर्थ रेट या नेटेलिटी, डी इज पर कैपिटा डेथ रेट या मॉर्टेलिटी. और यदि हम बी माइनस डी के फंक्शन को आर मान लें, आर का मतलब यहां निकालेंगे इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, सो हमारा फार्मूला हो जाएगा डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर एन. ये वैल्यू जो आर की होगी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होगी जिससे हम पॉपुलेशन ग्रोथ और उसके एनवायरमेंटल फैक्टर के इम्पैक्ट को एक्सेस करने के लिए यूज करेंगे. जैसे एग्जांपल के लिए बात करें तो 1981 में इंडियन ह्यूमन पॉपुलेशन का जो ग्रोथ पैटर्न था उसमें आर की वैल्यू काउंट होती है 0.0205. इसी तरीके से 2001 में ये फिगर पहुंच गया था 0.0176. कुछ और एग्जांपल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, जैसे नॉर्वे रेट के लिए ये वैल्यू दी हुई है 0.015 और फ्लोर बिटल्स के लिए इसकी वैल्यू है 0.12. तो जब रिसोर्सेस अनलिमिटेड हैं तो पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो होगी, जियोमेट्रिक प्रोसेस में ग्रो होगी. और जब इसे हम एक ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो ये एक जे शेप कर्व हमको मिलता जाएगा. अभी बात करेंगे इसी फार्मूले का एक और मेन फॉर्मेट और समझें. यदि किसी को बेसिक कैलकुलस आती हो तो वो इस फार्मूले का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन के फॉर्म में इंटीग्रल फॉर्म डिराइव कर सकता है. इंटीग्रल फॉर्म डिराइव होगा एन टी इज इक्वल टू एन जीरो ई टू द पावर आर टी. यहाँ एन टी पॉपुलेशन डेंसिटी है टी टाइम के बाद, एन जीरो है जीरो टाइम पर पॉपुलेशन डेंसिटी, ई है बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम 2.71828, आर आपको मालूम है नेचुरल रेसिस्टेंस. सो एनी पॉपुलेशन ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली रीचेस इनॉर्मस डेंसिटी इन शॉर्ट टाइम. ये खास बात है, इसे ध्यान रखना है
कि यदि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है तो इनॉर्मस डेंसिटी रीच अप होगी शॉर्ट टाइम में। आप लोगों ने एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन सुना है कि एक बैक्टीरिया जिसकी लाइफ साइकिल 1 मिनट की है, यदि वो पूरे कप को भरने में 60 मिनट लेता है तो आधे कप को वो कितने मिनट में भरेगा। आप लोगों ने उसका आंसर भी निकाला है 59 मिनट्स। ये बताता है कि जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड हों तो पॉपुलेशन बहुत छोटे समय में बहुत इनॉर्मस डेंसिटी को रीच अप कर सकती है। नॉट सिग्निफिकेंट इन दिस टाइप ऑफ ग्रोथ, सो द ग्रोथ कंटिन्यूस लाइक एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, मतलब बहुत कम समय के साथ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ होगी। तो ए वाला हमको ग्राफ मिलेगा। ए वाले ग्राफ का शेप यदि आप देखें तो जे शेप है और ये जो है वो कैरिंग कैपेसिटी वाली फैक्टर से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है और इस वजह से लगातार पॉपुलेशन साइज बहुत कम समय के साथ बढ़ती जा रही है। जैसे एल्गल ब्लूम्स या किसी इंसेक्ट की पॉपुलेशन का बढ़ना किसी एक रिसोर्स में जे शेप कर्व के फॉर्म में निकाला जा सकता है। यहाँ ये भी बता दूं कि मैक्सिमम स्पीशीज को एनवायरमेंटल रेसिस्टेंस को फेस करना पड़ता है, इसलिए के की फैक्टर उनके लिए काउंट होती है। तो ये बहुत रियलिस्टिक मॉडल नहीं माना जा सकता। रियलिस्टिक मॉडल दूसरा मॉडल है जिसे हम लॉजिस्टिक ग्रोथ कहेंगे। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि नेचर डज नॉट पोज अनलिमिटेड रिसोर्सेस टू एनी पॉपुलेशन। किसी भी पॉपुलेशन के लिए नेचर के पास अनलिमिटेड रिसोर्स कभी भी नहीं होंगे और ये चूंकि लिमिटेड है और इसी वजह से कॉम्पिटिशन जनरेट होगा विद इन द पॉपुलेशन भी। तो विद इन द पॉपुलेशन जो स्ट्रगल क्रिएट होगा उसे हम इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल कहेंगे और इस इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल के कारण मैक्सिमम पॉसिबल नंबर इन अ गिवन हैबिटेट बियॉन्ड विच नो फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल इज कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी और के, मतलब के वाला फैक्टर इस ग्राफ में काउंट होगा। ये पॉपुलेशन शुरू में धीरे धीरे बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ने की फेज को लैग फेज कहेंगे। उसके बाद एक एक्सेलरेशन की फेज आएगी और एक डेसेलरेशन की फेज आएगी और फाइनली ये एसिम्प्टोट के फॉर्म में खत्म होगी और इस तरीके से ये जो कर्व बनेगा वो एक एस शेप का कर्व बनेगा जिसे हम सिग्मोइड कर्व कहेंगे। यहाँ ये भी याद रखें कि ग्रोथ के लिए रिसोर्सेस बहुत सारी एनिमल पॉपुलेशन के लिए फाइनाइट होते हैं और इसीलिए लिमिटिंग बन जाते हैं जल्दी या देर से, और इस प्लॉट को हम मोर रियलिस्टिक प्लॉट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ के रूप में देख सकते हैं। अब यदि इसका हम फार्मूला डिराइव करें तो कैसे करेंगे, तो द ग्रोथ वल्हल्स पर लॉजिस्टिक ग्रोथ के रूप में नापी जा सकती है जो है R इज इक्वल टू डी एन बाय डी टी इज इक्वल टू आर एन वन माइनस एन अपॉन के, जहां n पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t है, R इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है, b माइनस d का आउटपुट और k कैरिंग कैपेसिटी है। सिंस रिसोर्सेस फॉर ग्रोथ फॉर मोस्ट एनिमल पॉपुलेशन आर फाइनाइट एंड बिकम लिमिटिंग सूनर और लेटर, आई एम रिपीटिंग दिस फैक्ट, This plot is more realistic. अब यदि दोनों को कंपेयर करें तो पहले आप ग्राफ बी को देख लें, क्योंकि लॉजिस्टिक ग्रोथ अभी अभी आपने पढ़ी है तो ये ग्रोथ कैरिंग कैपेसिटी से इन्फ्लुएंस होती है। तो जहाँ कैरिंग कैपेसिटी रीच होगी वहाँ एसिम्प्टोट पॉइंट आ जाएगा, उसके नीचे शुरू में एक लैग फेज आपको दिखाई देगा, फिर एक एक्सेलरेशन दिखाई देगा और एक डेसेलरेशन दिखाई देगा और एक एस शेप का कर्व बनेगा। तो ये दो तरह के ग्राफ मॉडल बनते हैं, एक जिसको हम जे शेप ग्राफ या एक्सपोनेंशियल या जियोमेट्रिक ग्रोथ और दूसरी लॉजिस्टिक ग्रोथ या सिग्मोइड ग्रोथ के नाम से जानते हैं। सिग्मोइड ग्रोथ ज़्यादा रियलिस्टिक होती है, ये आपको हम बार बार बता रहे हैं। इसी तरीके से ग्रोथ के डिफरेंट पैरामीटर्स को हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं और एक्सेस भी कर सकते हैं। अगला लेक्चर हम रिलेट करेंगे पॉपुलेशन इंटरेक्शन से। थैंक यू।